खालिद गिरामी तहरीक पाकिस्तान में जो है वो एक फाल रुकन रहे हैं। तहरीक उस जमान बट साहब मेरे साथ सोसाइटी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, ये इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में एक आइडियल है। यहाँ पे लोग पानी, बिजली, गैस, रोड, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। इसलिए कोई आपने ट्यूबवेल की बात की, ये हो चुकी है, इसका टेंडर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, सर्वे हो रहे हैं। अब यहाँ अगर मसाजिद में ये पानी बंद होता है तो आप आवाज उठाएंगे सर? नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान, न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान। अपने मैंने आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम पे मैं आपकी मुलाकात यकीनन ऐसे लोगों से करवाऊंगा कि जो आवामी लोग हैं, जो आवाम की खिदमत की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर उनकी जिबिलत में शामिल होता है। तो ऐसी एक शख्सियत आज मेरे साथ न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और अगर इनके बारे में मैं बताऊं कि इनके वालिद गिरामी तहरीक पाकिस्तान में जो है वो एक आप यूँ कहें कि एक फ़ाल रुकन रहे हैं, उनके ये चश्मो चराग हैं लैकुज़्ज़मान बट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लैकुज़्ज़मान बट साहब कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? और मैं आपको न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान अपने इस प्रोग्राम पे जो PTI न्यूज़ HD पर लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे उसमें खुशामदेद कहता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, आपके साथ आज ये अपने प्रोग्राम में बैठने का, आपको मेहमान बनाने का बेसिक मेरा मकसद आप जानते हैं। बेशक बेशक। सोसाइटी जी जी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सर जी, बिल्कुल। एक ऐसी सोसाइटी सर कि जिसका अगर आप नाज़रीन, ये मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि जो मुल्हिका जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके साथ, बिल्कुल पुराना जो एयरपोर्ट है उसके साथ मुल्हिका एक सोसाइटी है, एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसका नाम है। उस सोसाइटी के सूरत हाल के बारे में, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ पर जो आवाम को इशूज़ हैं उसके बारे में, और उन इश्यूज का अगर कोई खातिर ख्वाह कोई मुमकिना हल है उसके बारे में आज गुफ्तगू होगी, तो ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। बट सब क्या कहेंगे, आप भी इस एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के मकीन हैं और आपका भी यहाँ पे अपना घर है, और आपकी ख्वाहिश है कि उस घर को और उस घर में रहने वाले को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हों जो कि पाकिस्तान में किसी भी एक सिटीज़न को मुयस्सर होने चाहिए, आईनी उनके हुकूक उनको मुयस्सर हों। वो क्या क्या हुकूक है जो इस वक्त आपको मुयस्सर हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये जो सोसाइटी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है ये इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में एक आइडियल जगह है, और इसे आप ड्रीम कह सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी जितनी भी साबका MCs आई हैं उन्होंने मास वाय यहाँ लूट कसूट के पब्लिक के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, सिर्फ शब्दाबाजी और लूट कसूट उनका एक मिशन था और वो किया। यहाँ पे लोग पानी, बिजली, गैस, रोड्स, सिक्योरिटी की मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे लेडी बच्चों के स्कूल नज़र नहीं आएंगे, काली दूर की बात है। तो ये सोसाइटी को जो होता है एक नज़रिया, वो यहाँ पे नज़र नहीं आता। तो मैंने 2017 में ये प्लाट ख़रीदा था, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो जो मैंने सूरत हाल देखी है तो मुझे बहुत उस पर अफसोस हुआ कि मैं किस सोसाइटी में आ गया हूँ। बहरहाल
मैंने इसकी तमीर के लिए, इसकी तरक्की के लिए कोशिश की और किसी हद तक मैं कामयाब रहा, कुछ काम सोसाइटी से करवाने में कामयाबी हुआ, लेकिन ज़्यादातर काम जो अभी होने हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हुए। अच्छा, लेकिन जमान बट सब अभी जो मौजूदा इस एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में वो बेसिक चीज़ें जिसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, जिसको आप प्रायोरिटी वन पे रखेंगे, फिर प्रायोरिटी टू थ्री, आप क्या समझते हैं कौन कौन से वो जो मसाइल हैं जिसको एड्रेस करना लाजिम है, वो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए कामरान साहब, इस तरक्की याफ्ता दौर में बिजली एक सबसे बुनियादी जुज है कि आज ये हमारी सोसाइटी के कुछ हिस्से जो है वो बिजली से महरूम है। पानी जो है वो एक ज़िंदगी है, यहाँ पे पानी हमें मुयस्सर नहीं है। हम तकरीबन 4000 रुपया के टैंकर हर माह डलवाते हैं, यानी तकरीबन 48000 रुपया हमारा, 50000 का खर्चा सालाना हमारा इसका पानी का जाता है। रोड हमारी टूट फूट की शिकार हैं, हमारे सैकड़ों रुपये जो है हर माह इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस पे खर्च होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमें यहाँ से कसम दूर जाना पड़ता है। कोई ऐसी बुनियादी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि ये एक मसाली सोसाइटी है। तो इसके लिए मैं पानी, जहाँ तक पानी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने इसके लिए कोशिश की। हम लोगों ने एमपीए साहब से मुलाकात की, एमपीए साहब को यहाँ की मुश्किलात से आगाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अदनान साहब एक नहायत ही ख़ानदानी शख्सियत के मालिक हैं और इंसानी हमदर्दी और खल्के खुदा की खिदमत से सरचार हैं। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को बड़े गौर से सुना और यहाँ के जो जायज़ा लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे वाकई ही पानी की असर ज़रूरत है। जबकि ये सोसाइटी एक प्राइवेट सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, इसमें काम करना कोई आसान काम नहीं था, जो कि उन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुकात, अपनी अहलियत, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से सीएम से एक स्पेशल ग्रांट मंजूर करवा कर 60 लाख की हमें ट्यूबवेल की सूरत में दिया, जिस पर आपने देखा होगा कि ये मैं बड़ साहब माजरत के साथ आपको इंटरवीन कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कोई आपने ट्यूबवेल की बात की जो मंजूरी आप कह रहे हो चुकी है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये अच्छा, ये सोसाइटी के लिए आ रहा है, ये सेक्टर 4 में ट्यूबवेल लगेगा, ये सेक्टर 4 के लिए होगा जहाँ पे बिल्कुल पानी, यहाँ पे दो तकरीबन 2 हफ्तों के बाद लोगों को पानी मिलता है और वो भी आधे घंटे के लिए, जो कि ना होने के बराबर है। यानी 50,000, मैंने कहा कि तकरीबन हर घर 50,000 हर साल, ये मंजूरी हो चुकी है, ये हो चुकी है, इसका टेंडर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, सर्वे हो रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीबन 3 हफ्तों के दरमियान इस पे काम शुरू हो जाएगा। मैं बड़े बावसूख जराए से और इत्माद के साथ ये मैं आपको और सेक्टर 4 के और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तमाम दोस्तों को ये। अच्छा बट सर, ये जो ट्यूबवेल लगेगा इससे किन लोगों को लाइक पानी के इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, कौन कौन से ब्लॉक्स को जो है पानी के, क्योंकि सेक्टर 4 का आप जिक्र कर रहे हैं? ये जो ट्यूबवेल होगा स्पेशली सिर्फ से और सिर्फ सेक्टर 4 के लिए होगा। ओके, उसकी मैंने आपसे अर्ज की है कि इसका और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन अभी हम चेक कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक नहीं, आप कह रहे हैं सर्वे हो चुका है सारा कुछ सर, लेकिन उसके बावजूद सर्वे जारी हैं, हो रहे हैं। अच्छा, सर्वे हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, हमने ये देखना है कि किस जगह पे पानी ज़्यादा है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। 2, 4, 6 जगह चेक करके जो बेहतर मुनासिब नज़र आएगा, जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी, जहाँ पे और ये जो काम हुआ है, ये जो ट्यूबवेल की जितनी भाग दौड़ ये सारा कुछ, ये इसका पूरा का पूरा क्रेडिट यकीनन बट साहब इसके लिए आपकी काबिश मेहनतें जो है वो रंग लाई हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मेरे साथ और भी बहुत से दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह, कि ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं होता, इसमें मेरे अपना राजा जाफर साहब हैं,
ममरेश साहब हैं, ममरेश की अन्नी, हम ममरेश की अन्नी हैं, अपना चौधरी जुबैर साहब है और दूसरे दोस्त अपना चौधरी अबद मुख्तार हैं और बहुत से दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं, खान खान साहब हैं, मनी अली खान साहब, तो कौन खान साहब, मोहिबुल्ला शेरवानी साहब, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, शेरवानी साहब ठीक, तो ये सारे हमारे साथ हैं, ये हम मिलजुल के एक टीम की सूरत में काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बट साहब की आपने बात सुनी, लैकुज़मान बट साहब, ये वैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 के जितने भी मकीन हैं उनकी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाकई यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे पानी का जो इशू है वो इस किस्म का इशू है कि ऑलमोस्ट अगर किसी घर में 4-5 अफराद का वो एक घर है तो उसको यकीनन जो महीने में उस 3-4 टैंकर तो दरकार हैं और फिर गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो पानी का जो सिर्फ कॉस्ट पड़ता है वो एक टैंकर 1000 से ज़्यादा का ही है, 1000 से 1200 तक, 1200 तक का एक टैंकर, तो आप सोचें कि अगर 4 टैंकर पानी आप महीने में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये एक अलहदा कॉस्ट है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लैकुज़मान बट साहब ने आप लोग के साथ शेयर किया। अब अल्लाह करे कि ये भी एक सियासी ऐलान ना हो, एक सियासी बट साहब से माजरत के साथ शोधाबाजी ना हो। अच्छा बट साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा एक बुनियादी उसको कुछ मसाइल की तरफ आना चाहूँगा। बट साहब, आप जो मौजूदा जो इस वक्त सोसाइटी का निज़ाम संभालने के लिए एक ग्रुप, एक पार्टी जो सोसाइटी ऑफिस में बैठी हुई है, इलेक्शन से ही आई है, उसके आप सपोर्टर थे जी, बड़े सरगर्म सपोर्टर थे, बेशक जब वो रूलिंग में आई तो आप मुखालफत में चले गए, ये क्या एक सिलसिला है, क्या कहेंगे इस पर? सर, गुजारी ये है कि मैं बेसिकली पदेशी तौर पर एक सियासी घराने से मेरी परवरिश है और मैंने यही हमेशा जिंदगी में तहरीकें ही चलाई हैं। तो जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहा था तो उसमें मेरी भी एक तकरीर थी, मैंने उसमें तकरीर करते हुए कहा, जो कुछ कह सकता था मैंने आवाम को बताया अपने जो कुछ करना था। उसके बाद, उस जलसे के बाद मैंने कर्नल साहब को दोस्तों के दरमियान बिला खौफ व खदर ये ऐलान किया और कर्नल साहब को इन्फॉर्म किया कि कर्नल साहब, मैं इनकलाबी जहन का आदमी हूँ, मैं कभी बरसरे इक्तदार ग्रुप के साथ नहीं रहा और अगर बरसरे इक्तदार ग्रुप गलत चलता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप अपने जो मंशूर है उस पर आप अमल नहीं करेंगे तो आप ये इस पर ना रहें कि मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ चल सकता हूँ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। लेकिन इत्तेफाक से, बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ कि जैसे ही जिस रोज़ इनको चार्ज मिला है, कामयाबी के बाद इनके खिलाफ़ एक स्टे हुआ, 3 माह के बाद ये स्टे ख़त्म हुआ, तो अगले ही रोज़ जब हमने कर्नल साहब से बात की तो कर्नल साहब ने मुझे कहा, बट साहब, आग आपके घर तक पहुंच गई है, जो आप कर सकते हैं कर लें। अब ये जवाब कर्नल साहब का नहीं बनता था, कर्नल साहब का काम ये था कि कहते, बट साहब हम मौजूद हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कह दिया कि जी आप जाएँ और अपना संभालें इसको। अच्छा बट साहब, आप जरा कर्नल साहब कह रहे हैं, आपको पता ही है कि कर्नल बड़ा काबिल एहतराम एक डेजिग्नेशन है, तो पूरा नाम अगर आप ले लें उसका कि ये कौन कर्नल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर? सर, ये तमाम दुनिया जानती है। नहीं, दुनिया यकीन हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ। वो हमारे मोहतरम बड़े आप सादुल्ला बंगश साहब, हमारे कायद रहे हैं माशाल्लाह, और हम अब भी उनका एहतराम करते हैं, बड़ा हलीम तबा किस्म का, हम अब भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो अभी तक कुछ डिलीवर कर नहीं पाए। ये जो कुछ तो क्या वजह थी सर उसके, आप सपोर्टर थे, बड़े डाय हार्ड सपोर्टर थे, जब आपको पता ही था कि ये डिलीवर नहीं करेंगे, क्या उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं थी? सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने ये 2017 में ये प्लाट लिया था और उसके 17 के आखिर में शुरू किया था, 18 में मैं यहाँ आया हूँ, तो 18 में ये इलेक्शन होता है, तो इतना तो मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा कोई इलम नहीं था। और दूसरा ये कि जब तक एक शख्स एक सीट पे नहीं बैठता उसके बारे में, उसकी वो डिलीवर करता है या नहीं करता,
उसके बाद ही आप उसके अच्छा ये एग्जैक्टली सियासी नारा और होता है डिलीवरेंस और डिलीवर। हमने तो यही देखा था कि ये आज तक ये कोशिश करते रहे हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन और उसी बना पर हमने इनकी सपोर्ट की, हमारे दोस्त भी मायूस हुए और अब हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी साफ क्यादत आए जो करप्शन से पाक हो। आज तक जितनी यहाँ पे एमसीज आई हैं वो उन्होंने करप्शन ही किया और करप्शन के अलावा सर, आपकी नज़र में करंटली ऐसी सोसाइटी में ऐसी कौन सी क्यादत है कि जिसको आप वाकई जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर पूरा उतरती है? देखिए सर, यहाँ बहुत से लोग हैं, अभी मैं लाइक इफ यू कुड नेम, मैं नहीं सॉरी मैं किसी का कोई नाम रह जाएगा तो वो दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा। इधर भी आप सियासत ही कर रहे हैं। नहीं सर, हकीकत है क्योंकि बिजी लोग हैं, मैं किसी का नाम मुझसे रह जाए तो वो कहेंगे जी देखें जी आप। अरे चले सर, कोई ग्रुप लाइक कोई ग्रुप जिसको आप जिसकी फिर आपको सपोर्ट, यकीनन डाई हार्ड सपोर्टर होंगे सर। सर ये अभी एक साल पड़ा है, लोग उनकी हम एफर्ट्स देखेंगे कि वो इस एक साल में डेढ़ साल में अवाम के लिए क्या करते हैं। अरे सर मुझे इजाज़त दें सर, विद एक्सट्रीम अपॉलोजीज अगर मैं थोड़ा सा एक सख्त सवाल कर सकूँ आपसे। सर मैं हाजिर हूँ जिस किस्म का आप सवाल करें। सर आपने आपने अभी बोला कि ये बल्कि सियासी नारा कुछ होता है, डिलीवरेंस कुछ होती है, जिस पे आपने कर्नल सादुल्ला बंगर साहब को सपोर्ट करना छोड़ दिया, यही वजह थी ना सर? अभी ये जो एक सियासी, मैं इसको सियासी नारा या सियासी शोभदा कह सकता हूँ, ये जो ट्यूबवेल की कहानी आपने रचाई हुई है, इसका यकीनन क्रेडिट आप ही का है और इसी किस्म का सिलसिला ये जो अभी इस वक्त मौजूदा एमसी बैठी हुई है, इन्होंने भी यही कहा था हम पानी देंगे, पानी के इश्यूज एड्रेस करेंगे, सेक्टर फोर को ये बना देंगे, सेक्टर फोर के सड़कों को ठीक कर देंगे, सेक्टर फोर को बिजली का इशू नहीं होगा, गैस के वही सारा का सारा इधर है। और उन्होंने भी एक रोड बनाने का सिलसिला किया था और उससे वो इलेक्शन में आया और जीत गए सर। अब ये ट्यूबवेल सर, मैं मेरा सर सवाल, अब ये ट्यूबवेल वाला जो आपने एक सिलसिला किया हुआ है, आपका भी एक साल के बाद फिर इलेक्शन के लिए कोई तैयारी है, क्या चक्कर सर? सर पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये काम मेरे अकेले का नहीं है, ये हमारा इनकलाब ग्रुप है, इनकलाब ग्रुप सही, इनकलाब ग्रुप की ये इज्तमाही काबिशों का एक नतीजा है कि जो ये हो रहा है। बाकी रह गया ये कि आपने फरमाया कि मैं जैसे दूसरे लोग रोड बनाते हैं तो कहते हैं कि जी मुझे वोट दो, मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं है। मैंने हो सकता है आपका ना हो सर, आप किसी को फिर सपोर्ट करना नहीं, वो तो देखें जी वो तो लाजमी बात है, वो तो होगा। हाँ। वो तो जैसे आप जैसे अच्छा ये आप नाजरीन ये तो इकरार हो चुका है लेकिन जमान भट्ट साहब ने कह दिए कि जी वो तो होगा, ये ट्यूबवेल जो एक क्रेडिट इनके ईमा पे है यकीनन है और एक बहुत पॉजिटिव एक स्टेप अहेड है, ये अगर होगा तो यकीनन सेक्टर फोर के लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ भट्ट साहब ने ये भी इकरार कर लिया कि यकीनन अगली आने वाली जो सोसाइटी की इलेक्शन है उसमें फॉर श्योर इसको मैनिपुलेट करेंगे, प्ले करेंगे। देखिए सर हम जो मतलब है कि जिन लोगों ने करप्शन की है या जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, अब हम उनके लिए तो रास्ता नहीं छोड़ सकते क्लियर कि जी आए और फिर अपने मतलब है कि लूट खसूट करें और नालायक लोग फिर आए और फिर उसका हशर वही हो कि अब हम डेढ़ साल से इस एमसी को रो रहे हैं, फिर अभी डेढ़ साल और रोना है, फिर जो उसके बाद फिर ये आए या वो आए, अगर इनके लिए हम रास्ता जोड़ें फिर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रोते हैं। हमने तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमें इन लोगों से किसी से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा भट्ट साहब आप मैं आपकी एक बात काटते हुए एक मैं बात ऐड कर दूं कि मैं ये अपने सोसाइटी के जो जितने मौजूद मेंबरान हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हम लोग करप्शन का रोना रोते हैं ना अहल एमसी का रोना रोते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों की जो ये कमज़ोरी है या नालायकी है या गलती है, इसे जो भी लफ्ज़ कहें, मैं समझूंगा कि उससे ज़्यादा हमारी कमज़ोरी है कि जो हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलते। और अगर कोई शख्स ये आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो बहुत से लोग आपने देखा है कि किस तरह रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, ब्लेम बाजी करते हैं, अल्जाम तराशियाँ करते हैं,
धमकियां देते हैं, डराते हैं। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि जो शख्स आपके लिए बाहर निकलता है, आप उसकी आवाज से आवाज मिलाएं, ताकि उसको हौसला पैदा हो और वो आपके लिए बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा काम करे, ना कि वो मायूस होकर घर बैठ जाए। बहुत बहुत खूब, आप माशाल्लाह एक अच्छे मुकर्रर भी है, मुझे अंदाजा हो गया है। बहुत अच्छी तकरीर भी आप करते हैं सर, और सियासत में जो होते हैं वो तकरीर करना तो उनको ये उनका तुर्रा ही होता है। आपको सर ये एक इस मौजूदा एमसी ने कि इस मौजूदा एमसी पर एक चेक रखने के लिए एक एक्शन कमेटी बनी ना सर? जी बिल्कुल, मैंने बनाई। आपने ही बनाई थी? मैंने बनाई, लेकिन किसी के अप्रूवल पे बनी थी ना सर? नहीं, अप्रूवल तो किसी की नहीं थी, अप्रूवल तो ये थी कि जब मैं सर सवाल करना चाह रहा हूँ, वो पैरेलल एक्शन कमेटी बनी जी, ठीक है सर, अब वो एक्शन कमेटी में आप को एक चेयरमैन का ओहदा दिया गया जी, आपने वो ओहदा भी छोड़ दिया जी, तो आपको सर अगर कोई सरपरस्ती दी जाती है तो फिर आप उस पर सर क्या बात है, खड़े भी नहीं होते सर। तो आप आवाम से, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले न्यूज विद कामरान के इस प्रोग्राम पे तकरीर की, कैसे सर मतलब लीडर अगर खुद एक ओहदा छोड़ देगा, लोगों के एतमाद का दिया हुआ एक लीडरशिप छोड़ देगा, तो उसको फिर सर कैसे टेस्ट किया जा सकता है? सर गुजारिश ये है कि अभी मैंने चंद कलमात पेश की खिदमत की है। जी जी बिल्कुल, मेरी उन अल्फाज में ही आपके सवाल का जवाब पिना है कि बात ये है कि मैंने जब एक्शन कमेटी, जब कर्नल साहब ने मुझे कहा, कर्नल बंगे साहब ने मुझे कहा कि बट साहब आग आपके घर तक पहुंच गई है, आप अपना इंतजाम कर लें, उस वक्त तक मैं उनके साथ था। जैसे उन्होंने ये अल्फाज कहे मैं अवाम के दरमियान आ गया, क्योंकि मैं इलेक्शन में भी उनसे कह चुका था कि अगर आप गलत चलेंगे तो मैं आपको छोड़ जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक शख्स गलत काम करता है तो मैं उसके साथ चिमटा रहूं। अब आप देखते हैं कि जावेद आशमी जो कहते हैं बागी, जाहिर है कि उसका एक नजरिया है कि वो जब वो देखता है कि कोई लीडरशिप गलत जा रही है तो उसको छोड़ देता है, ये जरूरी नहीं कि उसके साथ चिमटा रहे। तो कर्नल साहब जब गलत चले तो मैंने उनको छोड़ दिया, फिर मैंने एक्शन कमेटी बनाई। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों ने यहाँ मुंतखब किया, वो फिर एक्शन कमेटी भी आपने छोड़ दी? वो उसी पे मैं आ रहा हूँ कि मैंने वो इसलिए छोड़ दी कि उसमें जो मेरे साथ जो लोग थे वो तमाम ही तकरीबन वो इसी किस्म के थे जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपने हकूक के लिए जद्दोजहद में जरा हिचकिचाते थे, पढ़े लिखे जो सुलझे हुए शरीफ नफ्स लोग थे जो कि ये हुलड़बाजी वाली सियासत से तंग थे। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुपों में गाली गलोच हो रहा है, बदतमीजियाँ हो रही हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, तो हर शरीफ आदमी जो होता है वो अपनी पगड़ी बचाता है, और वो अपनी पगड़ी बचाता है बदमाश कहता है ये मुझसे डरता है। तो वो जब ये सारा कुछ हुआ, वो लोग जो थे और उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो अंदरूनी खाना मेरे दूसरे ग्रुप के साथ मिले हुए थे, साजिशें कर रहे थे, और दूसरा ग्रुप जो था वो ये देख रहा था कि इस ये जो ग्रुप है ये स्ट्रेंथ में है, ताकत में है, क्यों ना इसको हाईजैक कर लिया जाए। उन्होंने आस्ता 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 अपने आदमी उसमें प्लांट करने शुरू किए और इतने ज्यादा हो गए कि वो उसके बाद मुझे कहते थे कि हमने सोसाइटी का घराव करना है, जलाव करना है, स्ट्राइक करनी है। तो मैं तो इन चीजों का कायल नहीं हूँ, मैं तो पूरा अमन जद्दोजहद का कायल हूँ। हमने यूनियनें चलाई हैं, हमें मालूम है कि यूनियनें किस तरह चलती है। तो मैं अब किस तरह मैं ऐसे लोगों के साथ चलता, जाहिर है कि मैंने कहा जी सॉरी जी मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, तो मैं एक साइड पे हो गया। जब मैंने देखा कि इसमें वो लोग ज्यादा आ गए हैं जो कि जिनका नस्बुल ऐन ही जो है फसाद, झगड़ा, लोगों की पगड़ी उछालना, तो अपनी इज्जत बचाना बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सर, तो इसलिए मैंने ये कदम किया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ एक इनकलाब ग्रुप की दाखिल डाली और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब जा रहा है। आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि मैंने इसी इनकलाब ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, दोस्तों की मदद से, अल्लाह की नुसरत से ट्यूबर मंजूर कराया पीडीए के साथ मिलकर। पीडीए के साथ मिलकर 471 अफराद की ट्रांसफर बहाल करवाई। ये एमसी 561 के अपना एक सोसाइटी से अलग नक्शा बनाकर उस 561 अफराद को इस नक्शे से अलग करना चाहती थी,
हमने रात को जाकर उनका मुहासबा किया अपने दोस्तों के साथ जाके, और उन्हें मजबूर किया कि वो उस नक्शे को ज़ाया करें, और वो नक्शा ज़ाया हो गया। फिर आपने देखा कि हमने बिजली के मसले पे आवाज़ उठाई। मैं शुरू से ही, जिस वक़्त कर्नल साहब बंगल साहब सीट पे बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह शेख राशिद एमएनए, जो शेख राशिद शफीक साहब एमएनए, उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे मुनासिब हैं, ज़ाती मुनासिब भी है, ख़ानदानी मुनासिब भी है। तो मैं कर्नल साहब को वहाँ लेकर गया, राशिद साहब ने आज को चीफ साहब को फ़ोन किया, उन्हें कहा जी भट्ट साहब की क़यादत में एक वफद आ रहा है, इसे रब्ता करें, उनसे भी बात की। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पे कोई रात को मीटर कटते थे, सुबह मीटर लगते थे, एक प्लानिंग के तहत ये सारी गेम हो रही थी। तो मैं फिर दोस्तों को लेकर शेख राशिद के पास गया। शेख राशिद साहब ने एक्सियन को फ़ोन किया, एक्सियन ने को कहा कि ये अपना मीटर नहीं कटने चाहिए। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, और आपके वफाकी वजीर जो है उमर अयूब साहब, जो इस महकमे के से बिजली के हैं, असम्बली में जाके उनको वो लेटर उन्होंने उनको दस्ती पेश किया। शाम को शेख साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भट्ट साहब, मैंने आपकी जो बात है वो मिनिस्टर तक पहुँचा दी है, आप बेफिक्र हैं। तो कामना साहब, जहाँ तक मेरी, मैं एक आम, मतलब मेरी हैसियत वोटर किसी है, मैं यहाँ कोई वोट लेकर नहीं आया, मैं एमसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं बलदियाती नुमाइंदा नहीं हूँ, जिस तरह दूसरे हज़ारों लोग नुमाइंदे हैं, यहाँ के मेंबर हैं, इसी तरह एक मैं आम सा गरीब सा मेंबर हूँ। सही। तो लेकिन एक ये मेरे अंदर एक कुदरती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर एक जज्बा है कि मैं इस आखिरी वक्त में, इस वक्त मेरी 76 की एज हो रही है, तो आखिरी लम्हों में अगर मैं इस, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मुझे कोई मुफाद नहीं, और ये रिज़्क मेरे आगे है कि मैंने अभी तक कोई ज़ाती मुफाद किसी एमसी से नहीं लिया, किसी लीडर से नहीं लिया, किसी एमपीए से नहीं लिया, किसी एमएनए से नहीं लिया। और ये बड़े दुख की बात होती है कि जब एक इंसान इतनी कुर्बानियाँ देता है, अपना कारोबार ज़ाया करता है, पैसा लगाता है, दुश्मनियाँ खरीद रहा है, और फिर जो लोग खामोश रहे हैं, जिनके लिए काम हो रहा है, तो ये कितना दुख की बात है। तो वही बात है कि बातों से कोई बात बनी है न बनेगी, उठते हैं मुजाहिद तो बदल जाती है तब्दील। हाँ, उठते हैं मुजाहिद तो बदल जाती है तब्दील। नाज़रीन, लैक़ुज़्ज़मान भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बानी हैं यहाँ पे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में, इनकलाब ग्रुप के, और ये एक सियासी ग्रुप है, आवाम के मफादात के लिए इन्होंने इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया है, और उसमें बकौल इनके के बहुत सारे लोगों की इनको मुआवनत हासिल है। भट्ट साहब, इनकलाब ग्रुप जी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 के, या किसी खसूसी कुछ चंद ब्लॉक्स के लोगों की आवाज़ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, हम पूरे सेक्टर 4 के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत से काम ऐसे भी हैं जो कि हम पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सेक्टर 4 खसूसन, और अमूमन जो है वो 1-2-3 के लिए भी कर रहे हैं। ये जो हमारा ट्यूबवेल आएगा, इस ट्यूबवेल से 1-2-3 को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब 1-2-3 वालों का ये क्लेम है कि ये आप पानी जो है, हमारा पानी 4 को जा रहा है, जब वो पानी इधर नहीं आएगा तो वो पानी 1-2-3 को चला जाएगा, तो उनकी मज़ीद जो है डिमांड पूरी हो जाएगी, और इधर भी कवर हो जाएगा। वैसे भट्ट साहब, आइडियल तो ये है कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बात हो, एक ऐसी आवाज़ हो कि जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तमाम आवाम की आवाज़ हो। तो ये इनकलाब ग्रुप जो है वो सिर्फ सेक्टर 4 की आवाज़ उठा रहा है, और ये अगेन सोसाइटी में एक पार्टिजन की सूरत हाल है। सर, ऐसे है कि ये जो आपने देखा होगा सेक्टर, आप 1-2-3 में जाए तो एक तो वो माशाल्लाह ड्रग्ड एरिया है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, हैवी वेट लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे सड़कें भी ठीक हैं, पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है। सिर्फ ये सेक्टर 4 जो है, ये एक मतलब है तमाम सहूलतों से महरूम है, यानी एक ये गांव से भी बदतर इसकी सूरत हाल है। क्या वजह है इसकी? यही वजह है कि पिछली जो एमसी थी, जो गुजरी हैं, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, खाया पिया और चलते बने। मौजूदा एमसी की भी यही पोजीशन है। अब भी आप देखें यहाँ पे सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है, एग्जैक्टली खंडरात बने हुए हैं। आप
नई गाड़ी आप लेके आए तो एक साल के अंदर अंदर वो वर्कशॉप में चले जाएगी। तो अब हमने इसके लिए भी इंकलाब ग्रुप के दोस्तों ने मिल के अदनान साहब को गुजारिश की है कि जी हमारी ये वी आई पी एक्सटेंशन और वो एरिया जो है उसका सारी रोडें टूट फूट के शिकार हैं, हमें वो रोड बना के दें। अब आप उधर जाएं तो आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये रोड भी जुलाई के एंड तक, मैं आप सेक्टर 4 के लोगों को एक और खुशखबरी दे रहा हूँ, सुन लें। अगर किसी ने क्रिटिसाइज करना है, किसी ने रास्ता रोकना है, नाजरीन बट साहब एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से थोड़े से जज्बाती हो गए, न्यूज़ विद कामरान में वो कोई खुशखबरी यकीनन देना चाह रहे हैं और वो यकीनन हम सुनना चाहेंगे। सर आप वो इंशाल्लाह इस जुलाई के एंड तक या अगस्त के पहले हफ्ते तक अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम फजल से, बीच में कोई ऐसी रुकावट ना आई, कोई कुदरती तौर पे कोई रुकावट ना आई, तो इंशाल्लाह ये रोड मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी और इस उम्मीद के साथ कि ये भी एक इलेक्शन से पहले वो सियासी एक किस्म का ऐलान ना हो, हम ये उम्मीद रखते हैं कि लेकुज़मान बर्ड साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा, वो सियासी ऐलान नहीं होगा। सर रोड बन जाएगी सर, ये आपकी कमिटमेंट है और ये उस पर आ गया है, डॉक्यूमेंट हो गया सर। पानी का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। रोड आपने बताया सर कब तक, और पानी का जो ये इशू है ये कब तक हो जाएगा सर? कोई मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पानी पे वर्क जो है 3 हफ्तों में हो जाएगा और तकरीबन 2-3 माह में ये ट्यूबवेल कम्प्लीट हो जाएगा। 2-3 माह के बाद इंशाल्लाह ये सितंबर काल बना जाएगा, सितंबर अक्टूबर, इसमें उम्मीद है कि पानी जो है सेक्टर 4 के लोगों को मिल जाएगा। क्या वजह सर आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं, उम्मीद से बात करें? देखिए सर जब काम होता है काम में कुछ रुकावटें भी आ जाती हैं। लाइक किस किस्म की रुकावट आ सकती है सर? लेबर की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मटीरियल में कमी आ जाती है, कोई खुदाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रुकावटें हो जाती हैं। ये तो खैर सर कोई प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं, एक बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सर, ये होता है कि ये आपके दोस्त ने मैसेज कर दिया कि जनाब वो सोमवार को अपना इसकी रिपोर्ट आनी थी, क्यों नहीं आई? हमने कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कब है सर? इलेक्शन तो अभी नेक्स्ट सितंबर में जी, हमारा ये देखें ये शुभदाबाजी हो ना, तो ये काम होते हैं इलेक्शन के नजदीक जाके 2-3 माह पहले ताकि लोगों को याद रहे। हम तो लोगों को सहूलत दे रहे हैं और भाई हमें याद करो ना करो अल्लाह तो देख रहा है, हमने तो उससे लेना है, हमने इस कौम से नहीं लेना। बिल्कुल सही, हमें मालूम है, हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, हमने जेलें काटी हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कुछ गर्ज नहीं है, मफादात नहीं है हमें। तो जो हो सका वो करेंगे। अब हाँ एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं सर कि मैंने इस MC के साथ गुज़श्ता माह रमज़ान में एक मीटिंग की थी अपने ग्रुप के साथ, इंकलाब ग्रुप के साथ, और उसमें मैंने कर्नल साहब से कहा था कि कर्नल साहब आप इस हमारे इलाके में गैस के पाइप बिछा दें, हम आपको जितने ड्यूज, आपकी शिकायत है कि लोग ड्यूज नहीं दे रहे, मैंने कहा जी वो आपको हम कलेक्ट करके देंगे। सही। रोड्स के लिए हमने कहा है कि आप रोड्स बनाएं, हमारे पैसे बनाएं, इसके जो पैसे हैं हम आपको देंगे, वो हम जो हमारे ड्यूज है उसमें से उसको काट दें, लेकिन वो काम तो करें। ये नहीं समझा सर आपकी, ये जो आपने रोड्स के लिए बनाए कि इसके जो आपने रोड, मिसाल के तौर पे ये रोड मैं उनको कहता हूँ जी, वो कहते हैं जी हमें पैसे दें हम रोड बनाएं। अच्छा, सोसाइटी कहती है पैसे दें हम रोड बनाएं। सही। मैं कहता हूँ आप रोड बनाएं और हमसे पैसे दें और हम आपको आपके जो ड्यूज हैं उसमें काट दें हमें, और वो मानते भी हैं, इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि ये तजवीज बहुत अच्छी है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। वैसे सर ये सोसाइटी की क्या ये मेथोडोलॉजी जो है, वो कलेक्शन करते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे काम हो सकता है? असल में बात सर ये है कि यहाँ पे है बदएतमादी, बात ये नहीं है कि लोग ड्यूज देने को तैयार हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि पब्लिक के साथ उनसे रابطہ नहीं किया जाता,
बिला वजह ये पैसा उठा कर सेक्टर फोर से कहीं से कहीं ले जाते हैं। ये तो फिर ज्यादती है आवाम के साथ, मतलब सेक्टर फोर के आवाम पैसा दे और उनको वो जो बुनियादी सहूलियात है वो ना मिले और वो पैसा कहीं और लग रहा हो, तो फिर यकीन है। देखिए ना, मैं पैसा देता हूँ तो मैं हक रखता हूँ कि मैं पूछूं कि भाई आप कहाँ लगा रहे हो, मेरे ख्याल में मेरा पैसा किसी और तरफ ना लगे। ये तो मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें इस चीज पे एजुकेट किया है कि आप टैक्सेस दे रहे हैं तो आप राइट रखते हैं सब कि आप पूछें, अवाम का पूरा हक है कि वो पूछे कि जी आप हमारे टैक्सेस के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ये तो फॉर श्योर है सर, इसका तो इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ और सर न्यूज व्यूज विद कामरान के इस प्लेटफॉर्म में? बस इस आखिर में मैं ये जनाब चौधरी अदनान साहब का बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने इनकलाब ग्रुप की गुजारशात पे अमल करते हुए हमें रोड्स का भी तोहफा दिया, हमें पानी का भी तोहफा दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये दो काम हो जाएंगे तो इसके बाद कुछ और काम भी हैं। अच्छा सर, एक एक चूँकि वो सियासी शख्सियत है, गो के एक अच्छी अली मुर्तबा किस्म की शख्सियत है अदनान साहब, वो डायरेक्टली सोसाइटी में कोई काम करना चाहें, कोई अपनी सपोर्ट देना चाहें तो उस पर भी सवाल आप तो यकीनन उठते हैं। जो मैंने देखा है इनकलाब ग्रुप के, आपके ग्रुप को मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जी कैसे एक पॉलिटिकल शख्सियत जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस प्ले कर रहा है, इसको कैसे कोप अप करते हैं? सर मजद के साथ, ये इनकलाब ग्रुप की थिंकिंग नहीं है, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये इनकलाब ग्रुप की थिंकिंग नहीं है, कुछ और लोग हैं जो भी लोग मैंने मैं तो सवाल तो बनता है। नहीं, आपने वो इनकलाब ग्रुप का नाम लिया ना जी, ठीक, तो ये इनकलाब ग्रुप का नहीं है। इनकलाब ग्रुप जो है, नहीं, मैं आप यूट्यूब में रॉन्ग सर, मैंने कहा इनकलाब ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया ग्रुप के अंदर उस पे मौजूद ग्रुप के अंदर कुछ दोस्त ये आपसे सवाल किए हुए हैं ना सर, ये कैसे एक सियासी शख्सियत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके ये कर सकता है, क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब मेरा उस पे टेक ये है कि मेरे ख्याल में आवाम को फायदा पहुंच रहा है तो क्यों नहीं कर सकता? सर गुजारी ये है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, आपने अपने सवाल का खुद ही आपने खुद जवाब दे दिया कि अगर आपके अंदर करेज है, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपकी नीयत साफ है, आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। वो तो सर अपनी जगह दुरुस्त है, बाय लॉज भी तो कुछ होते हैं सर। बाय लॉज देखें सर, उन्होंने अगर सीएम से अप्रूवल ली है तो सीएम भी तो बिला वजह अप्रूवल नहीं दे सकता, उसने भी तो रास्ता तलाश किया। सर एक चूंकि मुझे नहीं, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा, ये जो बाय लॉज हैं, लॉज आर फॉर द सेक ऑफ पीपल, पब्लिक के लिए है ना सर या पब्लिक लॉज के लिए? ये तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये लॉज जो हैं बायलॉज सोसाइटी के, ये कौन बनाता है? सोसाइटी के लॉज तो जो है ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो बनाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे उसको बनाती है, मेथोडोलॉजी क्या है उसकी सर? उनकी यही है कि जितना भी मतलब है उनके कानून बनाए हुए हैं कि इनमें दूसरा जो मतलब गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, लेकिन तो ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ नहीं। देखिए मेरी बात फिर तो सर आपकी, सर एक मिनट सुने ना, ये गवर्नमेंट हमसे करोड़ों रुपए टैक्स ले रही है ट्रांसफर की सुविधा। सर एक लम्हा के लिए मैं राइट पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। वो जो कल परसों की, ये कल ही की बात है, जो इनकलाब ग्रुप आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप में चला था, हमारे नहीं चला था, ठीक हो गया, उसमें डाला था, ठीक हो गया। अब वो सवाल सर, एक सवाल तो बनता है क्या नहीं बनता सर, वो कि अगर एक बंदा, एक शख्सियत, एक फर्द आपको ये कह रहा है कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप एक सोसाइटी जो कि एक सरकारी सिलसिला है उसमें एक सियासी इन्फ्लुएंस करके तो वो अपना असर व रसूख, गो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर है करे, आवाम को कुछ मिल रहा है ना, लेकिन इसके लिए क्या? सर देखिए मैं तो फिर उसी तरफ ही जाऊँगा कि मैं इन कानूनी पेचीदगियों से मैं इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर एक शख्स
बम नाशकों को फायदा पहुंचा रहा पहुंच रहा है तो पहुंचना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या हम इस मुल्क के पाकिस्तान के शहरी नहीं है? बिल्कुल। क्या ये हमारा इलाका पाकिस्तान के नक्शे में नहीं आता? क्या हम यहाँ से टैक्स नहीं देते? ऐसा ही है। तो जब हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमारी जानी माली हर चीज और तालीम सेहत हर चीज के तहफ़ की जामन है और इसका ये फर्ज है कि वो करे। और अगर एक MPA अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए, देखिए बात ये हर इलाके का एक ऐसा MPA की कोई ताकत नहीं है, आवाम की ताकत है। मैं वही मिसाल MPA बनाया लगा था कि एक थाने का SHO है और वो अपने इलाके को कंट्रोल करके सीधा कर देता है। एक के इलाके में करप्शन हो रही है, अब वो उसका अहल नहीं है, वो भी थानेदार है, वो भी थानेदार है। आप सर ताकत का सरचश्मा किसी फर्द को समझते हैं या आवाम को? नहीं, ताकत का सरचश्मा तो आवाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसी ताकत ने जो अगर चौधरी अदनान में अगर कोई ताकत है तो हमारे वोटों से है, ऐसे ही है। खुद तो कुछ नहीं है चौधरी अदनान सना चौधरी जानम साहब, नहीं उसमें ये कहना कि वो खुद कुछ नहीं है ये भी गलत है। उसमें एबिलिटी है, एबिलिटी है तो उसने आवाम का दिल जीता है सर, इसलिए आवाम ने उसको सर मैं एक वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं भी तो अक्सर ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। मैं ये जो आपसे सवाल हुआ है उस ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी और ग्रुप पे जो आपने शेयर किया, मुझसे भी शेयर किया आपने, मुझे वो सवाल मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग उस सवाल से मुझे ऐसे फील हुआ कि जो सवाल करने वाला वो आवाम को इस मद में पानी की मद में या सहूलियात की मद में रिलीफ देने में मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड नहीं है। सर आपने उसका अंदाज़े गुफ्तगू मुलाजा फरमाया होगा, अगर आपने उसका अंदाज़े गुफ्तगू मुलाजा फरमाया है तो मैंने उस शख्स से फ़ोन पे बात करके रबता करके मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है और ये चंद रोज के अंदर आपके सामने आ जाएगा जी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है उनको एग्रेसिव होने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो मुझे अगर उनको ये शिकायत थी, मकसद ये सर वो एग्रेसिव होता है नहीं होता है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। सवाल ये है कि अगर आवाम को कोई चीज मिल रही है, पानी इशू है, अगर सेक्टर 4 को एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 को इन मकीनों को पानी का मसले का हल मिल रहा है और वो हल आपकी कोशिशों से किसी XYZ की कोशिश से मिल रहा है तो किसी एक और फर्द को इसमें ये इस तरह की सूरत हाल में जाने की मतलब मेरी समझ से बाहर है, वो क्या सिलसिला? मैंने यही उनको ब्रीफ करने की कोशिश की थी, मैंने कहा भाई गुजारी ये है कि ये आपके मुफाद के लिए है, आपके लिए है, आपके भाइयों के लिए, आपकी बहनों के लिए, तमाम दुनिया के लिए है, इसमें आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही तो MPA ऑफिस मौजूद है। नहीं, लेकिन उसमें एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये भी कह रहे थे उनका ब्रैकेट अन ब्रैकेट में कि ये सियासी शोबदाबाजी, सर आप ये तो माने हैं ना सर कि सियासी शोबदाबाजी तो की जाती है ना सर, इस चीज से तो इनकार नहीं है ना सर, तो सियासत में सर सब कुछ सर अब कहने वाले का तो हम मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं, उनका कहने का जो था, चूंकि अब वो मौजूद नहीं है तो उनके बिहाफ पे ये सवाल मेरा राइट बनता है कि आपसे कर लीजिए, ठीक है सर। अब उनका ये था कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने ट्यूबवेल मंजूर कर लिया, ये उनको सियासी शब्दाबाजी लग रही है। अब इसकी डिलीवरेंस आप ऐलान कर चुके हैं, सामने आ जाएगा, आप बता चुके हैं कि जी 3-4 वीक्स में ये ग्राउंड पे मौजूद होगा, तो मेरे ख्याल में ये सियासी शोबदाबाजी उनके सामने क्लियर के हो के आ जाएगी और जब आ जाएगी तो वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टर बन जाएगा, तो मैं बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो उस भाई को एग्रेसिव होने दें, उस भाई को यही तो गुजारिश कर रहा था कि भाई थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा यहाँ आपने सालों इंतजार किया है, बिल्कुल सालों इंतजार किया है, लोग 10-10 साल से यहाँ रह रहे हैं बिल्कुल और इस बिलबिला रहे हैं पानी की वजह से, बिल्कुल अब अगर पानी का इश्यू शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है तो यार तहम्मुल मिजाजी से करो, बिल्कुल सही तहम्मुल मिजाजी से काम करो, अगर आपको कोई शिकायत है तो आराम से भी बात हो सकती है, ऐसे ही। लेकिन अगर जिस अंदाज में देखिए बोलने का अंदाज होता है, एक ही बात है आप करते हैं उससे एक आदमी खुश हो जाता है, अगर उसको दूसरे अंदाज में करें तो वो उसको मतलब नाराज होता है, बिल्कुल सही। तो बात सिर्फ बात करने का सलीका होता है। अच्छा सर एक
अब आपके साथ गुफ्तगू चल रही है, एक जिंदगी से सवाल आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगा और मरी फिर आपका टाइम नहीं लूँगा। मेरी कानों में एक बात पड़ी है, कहीं से सुना हूँ, ठीक है सर, कि यहाँ कुछ मसाजिद को भी पानी का इशू है। जी, अब मुझे नहीं मालूम कौन से मसाजिद को पानी का इशू है, और वो पानी का इशू का इल्ज़ाम भी जो है वो आपके मेहरबान दोस्त पे आ रहा है सर, कर्नल बंगे साहब। नहीं, मैं सॉरी, मैं माजर के साथ कहूँगा, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, मैं उसकी आपको बड़ी बात बता देता हूँ। असल वजह ये है कि ये इनकी नाहली है, हकीकत ये है, मौजूदा एमसी जो है, अच्छा पिछली की भी है, यानी वो विरसे में इनको मिली है कि पिछली एमसी जो है जबानी जमा तक नहीं, कैसी ना है ये सर, सुने ना मेरी बात, सादुल्ला बंगर साहब तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, मेरी गुजारिश ये है कि पिछली एमसी जो है वो जबानी जमा तफरीक के साथ इस इलाके को छोड़ गई कि ये बोर करा दिए, वो बोर करा दिए, वो बोर करा दिए, लेकिन वो बोर चंद ही, मैं कह रहा हूँ जब मैं 18 में यहाँ आया हूँ तो पानी खत्म हो गया था, हमने टैंकर डलवाने शुरू किए थे। अब उसके बाद इस एमसी का काम था, इस एमसी का काम था कि इनको पता था कि गर्मियाँ आनी हैं और हमने यहाँ पे अरेंज करना है, इनकी मोटरें बैठती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है, डिमांड ज़्यादा है, अब घरों को पानी नहीं मिल रहा, इसलिए मस्जिदों को भी पानी जो है वो कम पड़ गया है। अब होता ये है कि फिर वो जब प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है कि जी मस्जिदों का भी पानी बंद कर दिया, अब घरों का भी पानी बंद है, और भाई अगर किसी ने नमाज पढ़ने जाना है, घरों में तो पानी नहीं आ रहा, मस्जिदों में भी नहीं होगा, तो घर से वुजू करके चले जाओ। लेकिन काम तो एमसी का है कि ये इस कमी को पूरा करे। मैं ये नहीं कहता कि ये, मैं जो कह रहा हूँ कि लोग कहें जी भट्ट साहब ने ये क्यों कहा घर से वुजू करके जाओ, नमाज पढ़नी है तो ये इस बात का इंतजार न मत करो कि मस्जिद में पानी है कि नहीं है, उनको छोड़ दें उनके हाल पे, लेकिन अपना तैयारी करके जाए और उन पर दबाव डालें कि ये आपने ये इन बोर्ड अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की कोई इकराम और तकरीम तो स्पेशल होनी चाहिए ना सर। वो एक ऐसा इदारा कि जहाँ से हम सर दीन सीखते हैं, जहाँ जाके हम अपनी आखिरत उसको संवारने की कैफियत हासिल करते हैं, जहाँ से हमें सर कुछ ऐसी चीज़ें हासिल होती हैं जो हमारी उखरवी ज़िंदगी और ये ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वो बड़ी सूरत हाल मिलती है सर। आप उसका अगर पानी बंद होता है, ये आप कैसे समझते हैं सर इसको? नहीं, अब देखिए, अगर तो वो जानबूझ के पानी बंद करते हैं, हाँ, तो फिर उसको मैं तो यजीदियत आ जाती है, अगर पानी बंद करते हैं जानबूझ के करते हैं, लेकिन अगर हर तरफ ये सूरत हाल है तो फिर क्या रोना है, रोना ही रोना है फिर, और क्या है। देखिये, मैंने जो बात की है ना बहसियत मुसलमान, मैंने बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब इसको देखना है सर, वैसे इस ये पानी मसाजिद के पानी बंद करने के इशू पे, क्योंकि आप एक रहनुमा हैं सर, एक माशाल्लाह इनकलाब ग्रुप आपने वो किया है और आपकी विसिनिटी में, या आप EFGHI के रहनुमा नहीं है सर, आप पूरे सेक्टर 4 के रहनुमा, पूरे एयरपोर्ट के, ठीक है ना सर, पूरे एयरपोर्ट के लिए काम कर, एग्जैक्टली। अब यहाँ अगर मसाजिद में ये पानी बंद होता है तो आप आवाज उठाएंगे इस पे? आप, मैंने अभी कल इनकी क्लास ली है, मैंने कल भी इनसे बात की है, मुझे जब इलम में आया मैंने कहा यार ये क्यों आप यजीदों वाला काम कर रहे हो, मस्जिदों में तो पानी दो, कोई अगर दूल्हे से कोई आदमी बाजार से ही आ रहा है तो चलो उसको वहाँ वुजू करने को पानी मिल जाए, जो घर से जाता है चलो घर करके जा सकता है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसको तो वहाँ अवेलेबल हो। लेकिन अब बात वही है कि ये वक्त से पहले इनको इसके लिए तैयार होना चाहिए था कि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, पानी की पैदावार कम है, इसको किस तरह पूरा किया जाए। तो अब कर्नल बंगे साहब एक पुराने आदमी है हमारे, मुझसे खैर छोटे ही हैं वो, हाँ जी, अब मैं बुजुर्ग तो नहीं कह सकता है, तो बुजुर्ग ही समझे जो भी समझे, तो एक उनका सियासी तजर्बा है सोसाइटी को चलाने का, 15 साल से वो सबका एमसीज के खिलाफ केसेस वगैरह करते रहे हैं, उनको सारा लॉ पेज हमसे ज़्यादा पता है, हमें वो बरीकियाँ वो पचीदियों का नहीं इलम, लेकिन उनको इलम है, लेकिन असल में उनकी टीम जो है उनका टीम वर्क भी नहीं है, उनमें आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, और
मैं अगर ये कहूँ कि मैं कर्नल साहब को मैंने कहा था कि कर्नल साहब आप अपने इख्तियार जो है ना वो तकसीम करें अपने मेंबरों में, उनकी ड्यूटियाँ लगाएं कि उनसे भी सवाल करें, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग एक पेज पर नहीं आ रहे। मैंने इसी जगह बैठा कर यहाँ ला के मेंबरों को और सेक्रेटरी को मैंने इनकी सुलह करवाई है। कर्नल साहब को मैंने जिस दिन गैस की पता हो रही थी, मैंने कर्नल साहब को कहा, कर्नल साहब ये मेंबरान मैं आपको देता हूँ, आप इनके कंधे पर हाथ रखें, ये आपका साथ देंगे, मैं आपको इनकी गारंटी देता हूँ। लेकिन अब एक देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है अपने मेंबरान को साथ लेके चलना। अब मेंबरान गलत है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर हेड नहीं अगर कंट्रोल कर सकता तो। लेकिन जमान भट्ट साहब, PTI न्यूज़ HD पर इस मेरे प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज विद कामरान में आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्त दिया और आपने अपने इजहार ख्याल किया अपने इंकलाब ग्रुप के बारे में और कुछ खुशखबरियाँ भी सेक्टर 4 के अवाम को सुनाई। अब वो खुशखबरियाँ परवरदिगार अजीम करें कि वो सियासी नारे ना हों, वो बाकी खुशखबरियाँ हों और उसको हम देखें, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे अमली सूरत में देखें और आवाम उसको एंजॉय करें। विद दिस इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।